मोहम्मद हुसैन शाह साहब अब्दुल्ला यास्मीन किताब फरमा रहे हैं। اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد وعلى جل فرجه المس مخ دعا دی قبولیت واسطے بلند صلوات بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا بھائیاں دا پرخلوص اہتمام خرچ خرجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرماو مولا اس گھر نوں تا قیامت آباد تو تمام عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالی وچ ٹرایا مالک منظور تے مقبول اور کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ چودہ دا زوار نہ پڑے خزانہ غیبی چون مالک ہر مومن دی مدد فرماوے علی و علی اللہ پڑھن والے کسے دا موتا نہ فرماوے جہندے دروازے تے سوا لکھ نبی سجدہ ریز ہو کے اپنی نبوت مکمل کراوے اس سردار نو محمد آنے جی وہ وسو یعنی سید الانبیاء نبیاں دا سردار جنہاں نو مہر لا کے نبی بناوے اس نو محمد تے ایو سید الانبیاء ہک ہک دن وچ سو سو مرتبہ تعظیمن اٹھیوے جس بی بی واسطے اسی عزت معاب مستور نو زہرا دے سین دا میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں ایسا سونا کر کے قصیدہ پڑھیے اللہ جی قسم جگر ٹھہر جاتا
जद याद आवे उदन ही हां ठा इस तरह की मालिक है। असलीम शाह जी बाउल फतशाह म्यार वेखना है म्यार कसीदे का पहली सतर का म्यार वेखना अंबिया औलियावी नहीं पा सके अंबिया यानी नबी जितने नबी हैं कुल नबी औलिया वली जितने वली हैं सारे नबी ते सारे वली नहीं पा सके वो जी गल नहीं पा सके वो तो कसी का सवाल अंबिया औलिया भी नहीं पा सके 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 दुनिया के तेरी एक साफा नारायण हैदरी भाई सदा जो इसने वही से कलाम करते हैं सदा जो इसने वही से कलाम करते हैं बगैर हुक्म खुदा का वो काम करते हैं। वो तुम घुटनों के बल चल के आ रही है रसूल घुटनों के बल एहतराम करते बुलंद तार सलवा खुदाई में ना कोई मोहम्मद मुस्तफा जैसा भला कैसे होगा कोई मुस्तफा के मुर्तदा जैसा मैं दोनों आलम में सारे बड़ी शान वाले ना कोई नमाज ऐसा ना कोई हल अता जैसा दादी दाते बुलंद तर सलवा बड़ी मेहरबानी मौला वस्ता रखे आवाज आ रही है चलो अपनी इबादत माशाल्लाह स्पीकर ही आ गया जेडी पंज तन दे सारे उच्ची हवे बस दुनिया ते फातिमा तो उम्मे अभी हनन फातिमा अपने बाप की मां है। अक्सर कच्ची विच रियासत के रिवाज है अरब विच ही बड़ा है जो प्यो प्यो अपनी बेटी नु मां सके अम्मा करके अम्मा पानी छड़े अम्मा मेरी गाल सुन कच्छी आले अपनी तरफ नहीं छड़े नबी की सुन्नत है हज़रत पाक अपनी इज्जत मुआफ बेटी नु अम्मा से लेने ए उम्मे अभी हां सामने रख के बाबू जी शेर पढ़दा कोई को इवे या
ਜ਼ਿੰਦਗੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਕਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਆਉਣ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਅਲੀ ਅਲ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲ ਅਜਾਇਬ ਤਾਜਦ ਹੋ ਆਉਣ ਅੱਲਾ ਕਫਨ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਆਉਣ ਬੋਲੋ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲੁਤਫ ਲਓ ਇਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਮਦਦਗਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ मदद करने वाले को औन कहते हैं जो किसी की मदद करे मददगार को औन कहते हैं। मैं सैना का सीधा शुरू की जो शेर पढ़ लिया दूसरा पढ़ना है लफ्ज़े औन दा लुत्फ लवणा है बिल्कुल तबीयत इन्या ही दूध उभार लगेगा मगर चूंकि अगेज ढेर सारी नाराजगी औखिया सौखिया आ गई बिल्कुल मैं खिलौन के काबिल नहीं गाजी जानता मगर मैं कोशिश कर रही हूं कोशिश मैं चलो थोड़ा वक्त ही पढ़ा ड्यूटी मुकम्मल हो मैं एडा तुम शेर सुना के जाने ना कसीदे का जो घर वेने ती थोड़े जिगर के लुत्फ रख जरा शेर है उस एक लफ्ज है नीमा इतना क्या मान नीमा जिका उस नीमे को लफ्ज नेखना है फिर उस शेर को खूबसूरती का लिबास कैसा पाक साइड का कसीदा खड़ा पड़ता लफ्ज है नीवा जिका नीवा चर पड़ता सैयदा ने करीमे दाए जाज है सैयदा ने करीमे दाए जाज है भावफा दे अलम में एक राज है अंदा पंजाबी नीवा नहीं होंदा छुड़े दी है जय तू दुआ छोड़े दी
दुखां दी कहानी सुनो, दुखां ऐसी कहानी जै माशर तक रहना, दुखां दी कहानी सुनो तो
यतीमा दा मुंह चुम गया क्या मैं कह शराब पीना है, सारी रात शराब के नशे च मस्त रहना है, पता ही पूरी शाम तेरे ते लानत साढ़े घर च कोई औरत कोई चूल्हे भा नहीं बलेंदी, दिया ही रोंदियां राती रोंदियां। असा पूछिए क्यों रोंदी, उन्हें पिट के आदि तुसा दा दे आवे बाघी मारे तो जालिमो सन तो हुण पता लग गया तुस रसूल दी धी दा घर उजाड़ दो। बंदे ने सरस क्या कर, उन्हें के जितना जल्दी हो नहीं इन्हें रिहा कर। मैं वेखो जरा बाजार है ना, जिसका नाम है सूकुल हमीदिया, सूके हमीदिया भी आ गई, जेडे बाजार को अज तक असर होने वजह इस बाजार में बंदा मर्जी ना आराम ना चले तो 10 मिनट लगे। जिथे बाजार मुर्शिद मुकदा है उठो 7-8-9 कदम के अगू है दरबार का दरवाजा। जरा बाजार का मुकना दरबार का शुरू होना जी दरमियान सफर है इस बाबो साध घंटियां का दरवाजा। अच्छा जी फ्रंट है ना दरबार के गेट है कत है, एक गेट हो गया दरबार का, अगला उस कत गेट हो गया इस हरामी के घर का, क्योंकि उसे तख्ती लगी हुई है हूँ सलाहुद्दीन अयूबी की, यह भी बड़ा हरामी है इस 25,000 शिया शहीद कराए। असल घर ही हुई है बताई, यानी वे जी दीवार है वो मुश्तरक है, इधर का घर है इधर दरबार है, एक कनाल का सफर है दो गेटा के दरमियान है, इधर अद्धी रात ले इस चंद जी चंद उधार रहे हो इसकी 5-6 की रात अद्धी रात ले इकला उठो घरों निकल के दरबार का दरवाजा खड़काया सी। अंदर सिपाही पै रहा अमीर अधी रात दिल बगैर किसी सपोर्ट हो सके तू मैं छोड़ कैदी नू साडा मैं कोशिश कर रही चलो कसीदे मैं एक डेढ़ पढ़िया बस है दो जुमले पढ़ी जा हर आखे झांझा आ जाए मकसद पूरा हो जाए। अधी रात वेला सिपाही उठाए जिथे दानुआ ते मथा रख के मां दी लत्थी चादर नु रत बैठा रोंदा ई हरामिया के जंजीर हनाए सैयद दे जख्म डुक पे पर मैंने मेरा ना ना भी आंदा कैदी करके सटिया मेरे डुखे हुए जख्म डुखाए नी यादा तेरी वजह तू मेरी नजर खराब सिपाही खड़ा रही है सही अदा मैं जो आख्या मैं तेरे नाल लै गए पर मैं मेरी मजबूरी है मैं सकती जगह जान दो सजा तो सकती जिगा ठीक है पर मैं राखी दरबार दे बूहे ते आओ के एडा वेट करा हर बंदे दी हाय निकल जा सिपाही दस्या है यजीद कैदी आ गए ए पहली दफा नरम लहजे नाल बोले सजाद बहर न खड़न दा रहा बीमार दा रहा है कुर्सी ते बाय जदा कुर्सी दा नाम आया इतना रतु मैं दरबार दा फर्श रंग
जंजीर लथन दरबार लुट वाली गड हां सजा दुर्दान है हर दुए कदम खलो के मजबूरी है इन सजा हो गए लम्मा हर बीवी दे
ਜੇਵਰ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਫੇਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵਜਣਾ ਹੀ ਆਏ ਸਜਾਦਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੇਵਰ ਨਾ ਲਹਾ ਪਤਾ ਕਬਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਝੀ ਦੇ ਲਾਈ ਖੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਹਾ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਦੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮਰ ਵਜਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਰੋ करे चार मर्द कै बहर से मुल्क जावे उन्होंने खड़ी जावे त्राए वतन तो नहीं मिलते अक्सर असा केड़े वतन जवाब दे सो तेरा एक मर्द खड़ी जावे तू वतन ते नहीं आंदा ते जेने काफले च 108 मस्तूर खड़ी गई है जेने 53 महमल जो सिर्फ त्रै बच गए एक बारी ते बड़ा रोना सी ना कुरान गवाई सज्जाद दी अखी दा खून हर शाम दी गली च मौजूद त्रै महमल ते पर्दादार बहा के खुदा जान दे बशीर उठ उठाए मौला एक वेंदा सीधा मदीने एक वेंदा करबला तू मदीने रस्ता तुसा दसो केड़े राह ते वजने अजा कोई नहीं बोले असगर दी मां बोल पई बीबी सजाद नुआक बशीर तू पूछे कोई और राह कोई नहीं जरा मेरी धी दी कब्र ते जावे बीबी सड़िया सजाद मां धी नु मिल दिए पतले वक्त कौन जींदा आसी ना आसी चलो तेरी भेण को मिली वही त्राय महमल हन मुसाफर ले लो बड़ी सा अजा ढेर सारे दूर हैं भला हो भी जिकी कबर है ना मासूम पर हुन भी 16-17 पौड़ियां मुड़शे तल्ले लंगे 16-17 पौड़ियां ते वक्त को भी बदरी दीदी कठी कबर है अली दी बे औलाद दीदी और मासूमा दी जेले उठे हैं ना उठ थोड़ा थोड़ा पर्दा हटा के बीबिया निठा मामला दे वेची बीबिया दे वैर शुरू हो गए सदके वजाए प्यो दे सीने बगैर नहीं सकती मुदत हो गई सो धूप ते सुती पई है बच्चे एक बे तो कुछ दिन का वटी कई माई आ गई है तू तो नहीं जान दे जनी तुरबत ते हुरबत पई वसदी है को सामने इया हुसैन दी थी है मामल बैठे बीबी अलै पियां एक गल कौन सुनानी उसके बाद एक वैंड करना है बस इतनी जुरात आई जितना मैं पढ़ चुका कुरान गवाही सारी बीवियां कबर ते आके बड़िया रोनिया यानी जमीन हली खुदा जान दे अल्लाह का अर्श हलन पै गया जेडे घर च फौतकी हो गए ते असा मर्द वनो तो साडे परचावन अंदाज है तो फातिहा पढ़दे हैं बोलो असाडे परचावण दा ए अंदाज फातिहे दे बाद मरण वाले दा पियो बेरा चाचा मामा करीबी रिश्तेदार उन्होंने भाई हुक्म अल्लाह दा अमर रब्बी सबर करो अल्लाह दे काम साडे परचावण दा ए अंदाज बोलो सारे ते जिहड़ियां मस्तूर हन ए फातिहा नहीं पढ़दे ए मरण वाले दे घर वञ के नबूहे तो खलो के वेदियां जो सत्थर ते बैठियां बीबियां जो मरण वाले दी मां केड़ी ਬਹਿਣ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਖੀ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ ਵਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੁਣ ਉਸੇ ਮਸਤੂਰ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹੀ ਪਾਈ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਕਬਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆਈ ਬੋਲੋ ਮਾਂ ਆਈ ਨਾ ਮਾਸੂਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਣ ਦੇਵਣੀ ਆਈ ਨਾ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗਏ ਫਿਜ਼ਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੈਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਰੁਬਾਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦਾਇਆ ਦੀ ਹਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹਰ ਬੀਬੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਕਬਰ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਖਰੀ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਆਸ ਬਤਾਇ ਭਰਜਾਈ ਆ ਥੀ ਦੀ ਮੁਗਾਨ ਛੱਲ ਸਰ ਝੁਕਾ ਗਿਆ ਦੀ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਛਾ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦ ਛਾ ਠੱਗ ਗਈ ਸਦਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ
Okay.